दोस्तों रॉयल इनफील्ड की कुछ बाइक्स में कंपनी फिटेड नेविगेशन आपको देखने को मिला होगा, और कुछ बाइक्स में आपको खुद से परचेज करके आपको उसमें नेविगेशन लगवाने को देखने को मिला होगा। दोस्तों जो पहले रॉयल इनफील्ड की सबसे पहले मिट्टी जब बाइक लॉन्च हुई थी उसमें आपको नेविगेशन कंपनी फिटेड आपको नेविगेशन देखने को मिलेगा, और 650 बाइक्स में सुपर मिट्टियोर में या फिर शॉटगन 650 में आपको कंपनी फिटेड नेविगेशन देखने को मिला होगा। लेकिन हमारे कुछ फ्रेंड्स कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन परचेज किया या फिर ऑथराइज डीलर सर्विस सेंटर पर जाकर के या फिर कहीं आउटसाइड से अपनी बाइक्स में नेविगेशन इंस्टॉल कराया, नेविगेशन अपनी बाइक में फिटेड कराया, तो दोस्तों उन सभी कस्टमर्स को सभी को नहीं कुछ कस्टमर्स को एक प्रॉब्लम देखने को जरूर मिली होगी। ये प्रॉब्लम ये है कि आपका नेविगेशन मोबाइल से कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है, बाय चांस कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉपर लोकेशन नहीं दिखाता। और अगर दोस्तों कुछ कंपनी का ज़्यादातर आपको ओप्पो आईफोन और सैमसंग इन तीन कंपनी में ज़्यादातर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिली होगी कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अगर कनेक्ट हो रहा है तो ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ, फाइनली रॉयल इनफील्ड ने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया है। आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल है मैटर नहीं करता, आपके पास कोई भी कंपनी का मोबाइल है, सभी कंपनी के मोबाइल की प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। आप अपने नेविगेशन को बहुत आराम से सेफली इसको यूज़ कर सकते हो कि अब डिसकनेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली वर्क करेगा, अच्छे से वर्क करेगा। दोस्तों कनेक्ट भी होगा, कनेक्ट करने के बाद आपको लोकेशन भी सही प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों रॉयल इनफील्ड ने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया है। जो भी नेविगेशन लगा उसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद कनेक्ट कीजिए, एक फिर कभी भी आपका डिसकनेक्ट नहीं होगा और ना ही आपको गलत लोकेशन प्रोवाइड कराएगा, सही लोकेशन दिखाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी नेविगेशन के ऊपर कमेंट में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।